माँ के हाथ में सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र है। एक बात सोचिए, सुदर्शन चक्र क्या करता है? ये क्या करता है बताइए? काटता है। यही देखा ना महाभारत सीरियल में, रामायण सीरियल में सुदर्शन चक्र काटता है। सोचने की बात यह है, जो काटता है, जो हत्या करता है, जो गला उतार देता है, जो राक्षसों को मार देता है, जो हत्या ही करता है, खूनी बहाता है, उसका नाम सुदर्शन क्यों पड़ा? उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो सुदर्शन है? क्या सुंदर है जो सुदर्शन बोला? दर्शन ना तो एक तो उसको देख के ही भय लगे किसी को, है ना, देख के ही डर लगे, लेकिन उसका नाम भी देखो कैसा रखा, सुदर्शन। सुदर्शन का मतलब क्या? ये उन लोगों के लिए बुरा है, खौफनाक दर्शन पैदा करता है जो बुरे हैं, लेकिन जो सत्य पे चल रहे हैं उनके लिए सच में सुदर्शन है, क्योंकि उनके जीवन में अगर कोई अत्याचार करने वाला राक्षस, कोई पापी, कोई अहंकारी अगर कुछ कर रहा है, उस समय सुदर्शन चक्र आ जाए, तो जो ईमानदार सत्य पे हो इंसान क्या होगा, उसके दर्शन को पाकर खुश हो जाएगा, तो उसी को सुदर्शन बोला। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे लेटे हुए थे और योग निद्रा से उन्होंने देखा था, अपनी योग माया से उन्होंने देखा कि एक भगवान विष्णु का परम भक्त नदी के किनारे से गुजर रहा था। परम भक्त नदी के किनारे से गुजर रहा था और उस गुजरते हुए इंसान को देखकर नदी में कपड़ा धोने वाला आदमी कहता, अरे ये कहां से ढोंगी चला जा रहा है? ऐसे बोला, ये ढोंगी है, पापी है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, गालियों पे गालियां दिए चला जा रहा है, खूब गालियां दे रहा है, खूब गालियां दे रहा है। और वो आदमी आकाश की तरफ देखता है, जो ज्ञानी था, जो भक्त था, आकाश की तरफ देखता है, कहता है, भगवान ये क्या दिन दिखा रहे हो, ये क्या मैं देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन सा पाप मैंने किया जो इतनी गालियां मुझे पड़ रही हैं, क्या बुरा कर दिया मैंने? तो जैसे ही उसने, उस भक्त ने अंदर के दिल के पुकार से पुकारा, जब भगवान को, भगवान श्री विष्णु तक खबर पहुंच गई और भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भगवान तुरंत से अपनी उंगली में नाचते हुए सुदर्शन चक्र को आदेश करते हैं, हे सुदर्शन चक्र, जाओ जाओ और नदी के किनारे एक मेरे परम भक्त को कोई इंसान गाली दे रहा है, जाओ उसे दंड देकर आओ, जाओ उसे दंड देकर आओ। सुदर्शन चक्र निकल पड़ता है उसकी रक्षा करने के लिए और पापी को दंड देने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद सुदर्शन चक्र जाता है और वापस चला आता है, भगवान विष्णु के पास वापस चला जाता है। भगवान विष्णु पूछते हैं कि क्या किया, दंड दे दिए? तो नहीं प्रभु, दंड नहीं दिया, कुछ नहीं किया। क्यों? आदेश की अवहेलना की, आदेश नहीं माने, क्यों नहीं दंड दिया? तो सुदर्शन चक्र कहता है, प्रभु पहचान नहीं पाया कि उसमें पापी कौन है और धार्मिक कौन है। क्यों, इसमें क्या है, एक गाली खा रहा है, एक गाली दे रहा है, जो गाली दे रहा है वो पापी है। तो नहीं प्रभु, मैं तो देखा तो दोनों के दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। यानी भगवान को जब उस भक्त ने याद किया, हे प्रभु ये क्या कर रहे हो, कौन सा दिन दिखा रहे हो, तो भगवान ने तो अपनी योजना बना दी सहयोग करने के लिए, लेकिन थोड़े देर में ही भक्त का इरादा डगमगा गया और कहता है, पता नहीं भगवान मदद करे ना करे, अच्छा है हम ही अपनी कमर कस लेते हैं, हम ही उतर जाते हैं अखाड़े में। बस भगवान का भरोसा, भक्त का भरोसा था, कितना सा, थोड़ा सा डगमगा गया और तुरंत से मन डगमगाया। और उसके बाद से वो कहता है, भगवान पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं ही निपट लेता हूं, बस वो भी गाली देना शुरू कर दिया उधर से, वो भी गाली। तो सुदर्शन चक्र कहता है, जब दोनों एक ही गलत काम कर रहे हैं तो सजा किसको दो, हमारा भी कहीं इरादा कभी टकमगा तो नहीं जाता ना, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन बगल की पड़ोसन माँ अगर आ गई एकदम पल्लू वल्लू बांध कर, तो बस निकल पड़े झाड़ू लेकर सामने, आओ थोड़ा इसकी धुलाई कर दो। आप लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन अगर सच में आप भगवान पे भरोसा करते हो तो उसके उस नियम को, नियंता को भी आप ध्यान से समझो।